आज आजादी के अमृत काल में माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों से पारित दिल्ली सर्विसेज बिल को स्वीकृति देकर दिल्ली की जनता को एक सुशासन और कुशल प्रशासन की एक भेंट दी है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। 2015 से दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो काम ना करने के लिए हमेशा जनता के समक्ष बहाने बनाती है, हर मुद्दे पर एलजी साहब से उलझ कर झगड़ा करती है। तो एक झगड़ालू सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है कि आज के दिन जब ये स्कैम्स में डूबी हुई है तो इनके राज में स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के दफ्तर में रात को ही ताला तोड़कर सबूतों को नष्ट किया जाता है, फाइलें चोरी होती है और ये रिकॉर्ड को सुरक्षित नहीं रख पाती। एक ऐसी सरकार है जो मीडिया के समक्ष हमेशा अपनी राजनीतिक बेबसी व्यक्त करती है और हमेशा ऑफिसर्स को प्रताड़ित करती है। 11 मई 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई और 13 मई को ही माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी ने सभी महत्वपूर्ण अफसरों का, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस हो, उनके तबादलों की घोषणा करने का प्रयास करा और उनसे काम लेने का प्रयास करा, उनसे काम छीनने का प्रयास करा, और इसीलिए ताकि दिल्ली की जनता को एक न्याय मिल सके, सबूत नष्ट ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 और 16 मई की रात को स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के ऑफिस में चोरी हुई है, ये बिल लाना आवश्यक हो गया। मैं बधाई देती हूँ राष्ट्रपति जी को कि आज उन्होंने इस बिल को स्वीकृति देके कानून में तब्दील कर दिया। अब दोबारा दिल्ली में प्रशासन संवैधानिक तौर पर चल पाएगा, कुशलता से चल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का के अनुसरण से चल पाएगा और दिल्ली में एक लथार्जी जो आ गई थी प्रशासन में वो अब दूर हो पाएगी। धन्यवाद।